हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर हमने कुछ किचन के हैक्स लेकर आए हुए हैं जो आपको डेली यूज़ में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर ये टिप्स है कि जब आप कोई नया बर्तन ख़रीदते हो तो उसके ऊपर जो स्टिकर्स होते हैं, वो जो हम स्टिकर निकालते हैं तो उसके ऊपर रैशेज आ जाती है या तो फिर थोड़ा बहुत पेपर चिपक जाता है। तो उसके लिए ये है टिप्स कि आप गैस का फ्लेम लो रखिए और जो स्टिकर जो साइट लगा है उसको गैस के ऊपर इस तरह से हल्का से गर्म कर लिए, हार्डली कुछ 4 से 5 सेकेंड के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से करना है और फिर उसके बाद में हम इसे गैस पर से हटा दिए और गरम जब होता है, हल्का गरम, तभी हमें इसके स्टिकर निकाल लेना है। ये देखिए कितना इजीली और कितना झटपट ये निकल गया है इसका स्टिकर, और इसके ऊपर थोड़ा भी मार्क वगैरह या तो पेपर वगैरह चिपका हुआ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके डेली यूज़ में बहुत ही काम आने वाली है। ये टिप्स आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड नंबर टिप्स की तरफ। ये देखिए जब हम झटपट में कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, तलते हैं, तो हाथ पर तेल उड़ जाता है। जैसा कि ये मेरी ये तीनों फिंगर से ये तेल, गरम तेल लग गया है। इसके लिए मैं एक टिप्स है, क्या एक कोई भी बाउल में आप ठंडा तेल ले लीजिए, जो कुकिंग ऑयल होता है वही लेना है, और इसके अंदर हम कुछ हार्डली 1 मिनट के लिए तेल में उंगली डुबो कर रखेंगे और इसी तरह से 5 मिनट के लिए रहने देते हैं। तो आप देखिए आपके हाथ के ऊपर थोड़ा भी मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, और जो बोलते हैं ना जलने के बाद में बॉल्स जैसा हो जाता है, वो भी नहीं होगा और ना ही उसकी अंगार होगी ना जलेगा। तो आप इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि किचन में हम झटपट जब कुछ पकाते हैं तो थोड़ा बहुत तेल उड़ जाता है, या तो फिर आप कोई भी दूसरी जो बच्चों को चटका लगता है बर्तन का या कोई चीज़ का, तो आप उस झटका लगता है उस हाथ के ऊपर, स्किन के ऊपर आप तेल लगाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। टिप्स नंबर 3 है कि जब आप कुकिंग करते हो, कुछ भी ऐसा तलने की जो चीज़ें करते हैं, तो ऑयल है मोस्ट ऑफ ख़राब हो जाता है। तो हम वो अपने जो खाने में सब्ज़ी वगैरह बनाते वक्त यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कचरा जैसा हो जाता है, जला हुआ होता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या एक छन्नी रख देना है, जो स्टील की छन्नी होती है वो रखना है, और उसके ऊपर इसे तेल को छान लेना है। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसे छान लिए, आप देख सकते हैं नीचे कितना परफेक्ट एकदम प्योर तेल निकल आया है। ये देखिए आप अभी इस तेल को आप सब्ज़ी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। टिप्स नंबर 4 है कि जब आप सालन वगैरह या तो सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाते हो, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत नमक ज़्यादा गिरने की वजह से खारा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या एक कोयला लेना है। कोयले को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ली हूँ, इस तरह के वॉश करके ही लेना है आप कभी भी यूज़ करेंगे तो। और इसे क्या करना है, गैस के ऊपर हम इसे थोड़ा से जलने देते हैं, थोड़ा से रेड हो जाए ना, ये पूरी ऐसे लाल लाल हो जाए कोयला, तब तक हमें इसे करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये टिप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डली मोस्ट ऑफ घर पर ये सब छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, तो हम इस टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मैं इसके अंदर जो बर्तन है, जो सालन मेरा खारा हो चुका है, इसके अंदर मैं छोटी सी स्टील की एक कटोरी रख दी हूँ, और इसके अंदर जो ये जलता हुआ कोयला है ये इसमें रख देती हूँ, और इसे ढक कर सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। और फिर 5 मिनट बाद इसे हम निकाल लेते हैं, इसे गरम इसमें ही निकाल लेना है। ये देखिए, और ये अभी जो सालन है ये अभी खारा नहीं लगेगा, जैसा नॉर्मली टेस्ट होता है ना वैसा इसका टेस्ट आएगा। मैं ये देखिए टिप्स नंबर 5 ये है कि जब आप कोई भी चीज़ पीसते हो, मसाला वगैरह या तो बच्चों का खाने का फूड वगैरह, तो आप जब हम इसे वॉश करते हैं तो ये पूरी तरह से निकलता नहीं है, जो बर्तन में साइड साइड में या तो ब्लेड के पास अंदर चिपका हुआ होता है। तो उसके लिए ये टिप्स है कि आप इसके अंदर थोड़ा से पानी डाल दीजिए, इसमें थोड़ा से जो वॉश करते हैं उसका साबुन या तो लिक्विड होगा वो डाल दीजिए, और इसे एक बार चला लीजिए बिल्कुल उसी तरह से, और इसे वॉश कर दीजिए। ये देखिए हम अभी इसे वॉश कर रहे हैं। ये इस तरीके से अगर आप ट्राई करते हो तो बहुत ही परफेक्ट ये वॉश होता है, और देखिए कितना अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। जब भी आप
मिक्सर की जार में अगर कुछ पीसते हो तो तुरंत उसे पानी से धोकर इस तरह से मिक्सर में पीस कर फिर वो अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। उसे सूखने ना दीजिए, नहीं तो वो मिक्सर का जो अंदर का ब्लेड होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये टिप्स, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।